पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के एक 3-स्टार होटल द्वारा मुस्लिम निकाह के लिए 50% छूट देने के एवज में हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। 50% छूट देने का हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारियों ने होटल द्वारा दी गई इस छूट को तुष्टीकरण से जोड़कर बताया है। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब सोशल मीडिया के पेज फेसबुक पर बायकॉट होटल पैराडाइज की मुहिम शुरू कर दी गई। बजरंग दल के सह संयोजक गौरव भटनागर ने बताया कि होटल मालिक ने हिंदू इलाके में मौजूद होटल पैराडाइज में निकाह करने पर आधी छूट दी है, जबकि हिंदू शादियों के लिए कोई छूट नहीं है। बजरंग दल ने होटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इस बाबत अभी होटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हेलो, यस, सर मिस कॉल थी। अच्छा, आप होटल मानसरोवर पैराडाइज से बोल रहे हैं क्या? यही मुरादाबाद ब्रांच से। तो मुझे ये पता करना था, आपका कोई ऑफर चल रहा है अभी इसका निकाह वाला, 50% ऑफ का? हाँ जी, कुछ कुछ ऑफर है, निकाह वाला चल रहा है सर ऑफर। तो ये पूरे उस पे है, मतलब क्या है इसमें, लाइक किस किस सीट पे? अभी ना 3:25-3:30 के बीच में होता है वेडिंग वेन्यू पूरा जो है वेडिंग का। हाँ, 1000-1200 तक का, ठीक है। ये रफली अभी 185 का चल रहा है आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट, हाँ जी, 1.85 का चल रहा है। और इसमें डेट आपकी जून जुलाई की भी हो सकती है, अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर तक का है आई थिंक। जून जुलाई सितंबर, हाँ जी, मेरे ख्याल से 15 या 20 अक्टूबर तक है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये देख लेंगे आप डेटा। ये हिंदू मैरिजेस के लिए भी कुछ ऑफर है आपके पास? सर नहीं है, मुस्लिम वेडिंग्स हैं, क्योंकि इसमें डीजे नहीं होता और इसमें वो नहीं होता, हमारा मंडप नहीं होता, हाँ, नहीं होती, ये सब चीजें नहीं होती ना इसमें। इसकी कॉस्ट 1,85,000 है मुस्लिम वेडिंग की जो पड़ती है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, इसकी कॉस्ट 1,85,000 है, यू आर सेइंग डीजे की और मंडप की? नहीं सर, एक पैकेज होता है। एक पैकेज होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, सुनिए मेरी बात, मेरी अभी शादी हुई है जस्ट मानसरोवर पैराडाइज में, ठीक है, ठीक है, मैंने इतना पे किया है। और मतलब हिंदू से आप इतना लेंगे, इफ समवन फ्रॉम अदर रिलीजन इज कॉलिंग यू, देन यू आर गिविंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 50%, दैट्स समथिंग आई कैन नॉट। मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें लिखा था कबूल है और निकाह फंक्शन में 50% की छूट, तो ऐसी पोस्ट हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखी। 50% छूट का मतलब है 1,85,000 और 3,5-3.5 लाख का लगभग वहाँ जो है खर्चा लेते हैं, और 1,85,000 में देने का मतलब है कि 1,85,000 में भी आप उसमें कमा लेते हैं। मतलब हिंदुओं से आप 2 लाख कमाओगे और मुस्लिमों से 10-20 हज़ार कमाओगे, काम चलाओगे। तो ऐसा इस देश में नहीं होने वाला। और ये जो ऋषि छाबड़ा है जिसके बाद ये मानसरोवर पैराडाइज है, ये एक माफिया है, इसने MDA की भूमि पर कब्जा कर रखा है, MDA की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। उसका मानसरोवर पैराडाइज MDA की संपत्ति है, उस पर कोई उसका जो है उसका कोई टेंडर नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। लगभग 20 सालों से पास इस पे मानसरोवर पैराडाइज पे इस ऋषि छावड़ा ने कब्जा कर रखा है। तो ये कब्जा मुक्त इसको कराना चाहिए मानसरोवर पैराडाइज को। और जो ये एड सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है कि कबूल है और निकाह फंक्शन में 50% छूट, ऐसी छूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा जो तुष्टिकरण है यह इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका जो विरोध है वो इसी प्रकार चलता रहेगा। हम देश की जनता से, शहर की जनता से मांग करते हैं, मानसरोवर पैराडाइज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। जिस थाली में गौमांस परसने की भूमिका भी हो सकती है, उस थाली में हिंदू भोजन नहीं करेगा, और मानसरोवर पैराडाइज का पूर्ण बहिष्कार हिंदू समाज करेगा। और ऐसा आप कबूल है कराइए, और आप जो है निकाह फंक्शन कराइए, 7 फेरे आपके बैंकेट हॉल में नहीं होंगे, ऐसा हम हिंदू समाज से जो है निवेदन करते हैं। जिस थाली में गौमांस परोसे जाने की संभावनाएं हों, उस थाली में हिंदू अपना खाना नहीं खाएगा, और जो है ऐसे हम निवेदन इस शहर की जनता से करते हैं, और हम मानसरोवर पैराडाइज का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। आपने कोई किस तरह का कंप्लेंट भी की या होटल से बात की?
नहीं कोई कंप्लेंट नहीं, एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी, बात की थी होटल मैनेजर से, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, बराबर आपने सुनी होगी। तो वो कह रहा है हाँ मुसलमानों के लिए यहाँ छूट है 50% की और हिंदुओं के लिए कोई छूट नहीं है। तो अगर आप मुसलमानों के लिए छूट है तो आप मुसलमानों के फंक्शन कीजिए, आप भी कबूल कीजिए, आप भी कबूल कीजिए जो कबूल करना है, लेकिन हिंदू धर्म अब जो है आपके यहाँ कोई प्रोग्राम, कोई सात फेरे वाले फंक्शन, कोई अपने प्रोग्राम करने को तैयार नहीं है। जैसे ये माफिया ये इधर है मानसरोवर में, ये एक किस्म का माफिया है। मैं आपको बता दूँ MDA की भूमि है, MDA की संपत्ति है, MDA की संपत्ति पर लगभग 20-25 साल से काबिज होकर बैठा है, कोई टेंडर पास नहीं होता, कुछ पास नहीं होता, बराबर कब्जा करके बैठा है। और MDA भी इस पर हम MDA से ही मांग करते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इस माफिया को यहाँ से हटाना चाहिए, इसे यहाँ से भगाना चाहिए MDA को। अभी संपत्ति भूमि खाली करे, इसके टेंडर आउट करे, और लोगों को भी अधिकार है टेंडर जो भरने का, और लोगों को भी अधिकार देना, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हिंदू लोकलिटी है, सब हिंदू लोकलिटी है, हिंदू लोकलिटी के बाद भी जो है मुसलमानों को जो है 50% की छूट, ऐसा जो है इस ऐसा ना हो, होटल बंद होना चाहिए, होटल की जो MDA की संपत्ति है वो खाली होनी चाहिए। जगह जगह हम देख रहे हैं कि MDA की और सरकारी संपत्तियाँ खाली हो रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये MDA की संपत्ति है, हो सकता है MDA उससे ज़्यादा कमा सकता हो, MDS पे जो है टेंडर पास करके ईटेंडिंग में और ज़्यादा कमाए। एक ऋषि छाबड़ा ये माफिया ने कब्जा कर रखा है, संपत्ति पे खाली होनी चाहिए। पब्लिक TV आपकी आवाज़।